नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर चौहान और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परिवर्तन एकेडमी में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम रीजनिंग कवर करेंगे और रीजनिंग में हम पासा चैप्टर कवर करने वाले हैं और पासे का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है पहले भी, और इसी पासे की वजह से एक चौपड़ पासा था जिसने पूरी महाभारत खड़ा कर दी थी। हाँ सही सुना आपने, इसी पासे की वजह से ही महाभारत हुआ और इसी पासे के रहस्य को हम आज की क्लास में सुलझाएंगे। तो बता दूं कि ये पासे दो तरह के होते हैं, जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एक जो क्वेश्चन आता है वो क्लोज्ड डाइस के रूप में आता है। क्लोज्ड डाइस का मतलब आपके सामने इस तरह की एक फिगर दिखाई जाएगी, यानी ये जो पासा रहेगा क्लोज्ड डाइस, ये बिल्कुल एक क्यूब घन की तरह दिखेगा आपको, और घन की तरह दिखेगा यानी इसमें आपको तीन सतह दिखेंगी और तीन सतह छिपी हुई होती हैं। यानी किसी पासे में जब आप देखेंगे तो एक बार में अगर किसी पेपर पे अगर उसका फिगर बना हुआ है तो एक बार में सिर्फ तीन ही फिगर दिखती है, तीन ही सतह दिखती है उसकी। जैसे ये जो सतह आपको दिख रही है ये टॉप की है, और इसके जस्ट विपरीत वाली जो सतह होगी उसे हम बोलेंगे बॉटम सरफेस। ये राइट सरफेस है दाहिनी तरफ, और इससे जस्ट अपोजिट एक यहां भी सरफेस होगी, लेफ्ट सरफेस होगी, और यहां जो दिखेगी इससे हम फ्रंट सरफेस यानी सामने वाली सतह बोलेंगे, और इसके जस्ट जो छिपी हुई सतह है यहां पर ये है बैक सरफेस। यानी जो बंद पासा होता है उसमें कुल मिलाकर के छह सतह होती हैं, और इसमें तीन सतह आपको दिखाई देती हैं और बाकी तीन सतहें छुपी हुई होती हैं, ठीक है। और इस पे जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न इस तरह से बनता है कि एक पासा दिया होगा या फिर अलग अलग टाइप्स के पासे दिए होंगे आपको आपके क्वेश्चन में, और किसी सतह के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा या फिर कौन सा अंक आएगा या फिर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न में। तो एक होता है क्लोज डाइस, और बिल्कुल इसी तरह से आपको क्लोज डाइस दिखेगा, और एक ओपन डाइस भी होता है, यानी जब एक खुला पासा हो जिसमें छह सतह होती हैं तो उसे बंद करने पे पासा किस तरह से दिखेगा ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे क्लोज डाइस के बारे में, अभी हम इसमें कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं क्लोज डाइस में ये हम सीखेंगे आज। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पासे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। ये आपको दो पासे की फिगर दिख रही है, इस पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें तीन सतह दिखाई दे रही है। तीन सतह में ये जो पहला पासा है जिसे हम मान लीजिए ए नाम का पासा दे दे रहे हैं, ये एक पासे की फिगर है, और इसमें पहले जो सामने वाली सतह उस पर एक दिख रहा है और ऊपर वाली सतह पे दो और दाहिनी वाली सतह पे तीन दिख रहा है, ठीक है। और पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा साधारण पासा होता है और कौन मानक पासा होता है? आपको ध्यान देना होगा कि जिस पासे में किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस यानी किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि सात नहीं आता है तो उसे मानक पासा समझेंगे,
यानी अगर किसी भी दो सतह को अगर ले लिया जाए, जैसे 1 + 2 से 3 बनेगा और 2 + 3 से 5, 3 + 1 से 4। हमने सबको बारी बारी से किसी भी दो सतह को जोड़ा और हमने ये पाया कि अलग अलग नंबर्स आए हुए हैं, लेकिन इनमें क्या आपको 7 कहीं दिख रहा है? नहीं, तो 7 इसमें नहीं दिख रहा है। और इस तरह का जो पासा होता है उसे हम मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। अब बात आती है दूसरे वाले पासे की फिगर, जो आपके सामने ये बी पासा दिख रहा है, ये किसी पासे की एक फिगर है। और अगर यही तरीका इसमें हम अपनाएं, किसी भी दो सतह को यदि जोड़ें, 1 + 2 जिसे हम 3 प्राप्त करेंगे, अब 2 + 5 7 प्राप्त करेंगे और 5 + 1 इससे हम 6 प्राप्त करेंगे। अब यहाँ हमने दो अलग अलग सतहों को जोड़ा और जोड़ करके देखा, अलग अलग वैल्यूज आपको मिली, अलग अलग मान प्राप्त हुए, लेकिन इसमें से एक मान ऐसा भी है जो 7 आया हुआ है। तो हमें बस यही चेक करना था कि क्या किसी दो निकटवर्ती सतहों को आपस में जोड़ने पर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी में आपको 7 दिख जाए, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, तो अब ये समझ जाना है कि ये एक साधारण पासा है। साधारण पासा यानी जनरल डाइस। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं और मानक पासा का एक फीचर होता है कि विपरीत सतहों का योग ध्यान देंगे कि जो मानक पासा होता है उसमें चाहे कोई भी दो विपरीत सतह हो, उनका अगर आप योग निकालेंगे तो वो 7 के बराबर आएगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पासे में निकटवर्ती सतहों को यदि जोड़ा जाए तो 7 नहीं आएगा, और 7 आएगा कब? जब उनके विपरीत सतहों, यानी जब किसी भी दो विपरीत सतहों को जोड़ेंगे आप, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो एक बात इससे ये भी पता चल जा रही है कि अगर किसी मानक पासे में आपसे पूछा जाए किसी भी वैल्यू, यानी कोई भी सतह है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, जैसा कि बता दें कि जो पासा होता है उसमें 6 सतह होती हैं और जिस पर हम नंबर्स को दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सतह पर ये 6 नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और जो मानक पासा है उसमें जो भी विपरीत सतह होंगी उनका योग आएगा 7। ये ध्यान देना है आपको। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 के जस्ट विपरीत वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो कैसे बताएंगे आप? हाँ, आप बता पाएंगे कि सर हम जानते हैं कि जो भी मानक पासा होता है उसमें विपरीत सतहों का योग होता है 7, यानी जब हम 2 में 5 को जोड़ेंगे तभी वैल्यू आएगी 7। यानी हम ये बता सकते हैं कि सर
दो के विपरीत सतह पर पांच आएगा, ये कंफर्म है, ये समझ आया आपको? हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हमें हर एक सतह के विपरीत पर अगर बताना हो, जैसे दो के विपरीत क्या आएगा, तो दो के विपरीत आएगा पांच, एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत आएगा छः, क्योंकि एक और छः मिला करके सात। इस तरह से तीन के विपरीत क्या आएगा, तो तीन के विपरीत संख्या आएगी चार, क्योंकि तीन और चार मिला करके सात होता है। ये समझ आया आपको? तो ध्यान देंगे, अगर आपसे परीक्षा में यानी एग्जाम में आपके अगर मानक पासा दिया जाए, तो उसे आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो विपरीत सतह हैं तो उनका योग कितना आएगा, तो सात आएगा। तो इसको यानी मानक पासा का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे बताना बिल्कुल ही आसान है ना। अब बात आती है सामान्य यानी साधारण पासे की। अब साधारण पासे के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं। जो साधारण पासा है, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का मतलब कि दो निकटवर्ती सतह को अगर आप जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि जिनका योग सात हो जाए। जैसे अगर एक से दो को जोड़ा हमने, तो यहाँ तीन मिला, ये तो ठीक है। पांच से दो जोड़ा तो सात मिल गया, तो है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल रही है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग आपको सात दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस जो बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं जनरल डाइस के, क्यों? क्योंकि हमें विपरीत सतह पर कोई भी डेफिनेट आंसर यानी कोई भी परिभाषित आंसर हमको नहीं पता होता है, सिर्फ हम संभावना व्यक्त करेंगे। यानी अगर हमें बताना हो कि दो के विपरीत वाली जो सतह है, यानी दो अगर टॉप है तो बॉटम वाली सरफेस पे कौन सा अंक होगा, तो ये बताना मुश्किल होता है, ठीक है। मुश्किल क्या होता है, हम ये बता सकते हैं कि सर दो के विपरीत सतह पर जो भी आपको हिडन नंबर दिख रहे हैं, उनमें से कोई एक होगा, या तो तीन होगा या चार होगा या छह होगा। समझ आया आपको? यानी कोई भी जो जनरल यानी सामान्य यानी साधारण पासा होता है, उसमें किसी भी सतह के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये हम बता नहीं सकते। हाँ, बता कब सकते हैं, जब एक से ज्यादा फिगर आपके सामने दिए जाए। जैसे अगर इसके लिए अगर इसी पासे की दो फिगर आपके सामने दी गई हो, यानी पासा यही है, इसकी दो पोजीशन, इसे घुमा करके यहाँ दूसरा पासा बना दिया गया और उस पर जो नंबर दिख रहे हैं वो आपको यहाँ बता दिया गया, तो इस कंडीशन पर आप आंसर दे सकते हैं, कोई डेफिनेट आंसर दे सकते हैं कि नहीं सर, इसके विपरीत यही संख्या होगी। लेकिन अगर साधारण पासा है और सिर्फ एक ही फिगर दी हुई है, तो आप डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। जैसे इस तरह से कि दो के विपरीत क्या क्या आएगा, तो दो के विपरीत सर या तो तीन आएगा या तो चार आएगा या तो छह आएगा। उसी प्रकार से एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत जो भी हिडन नंबर है उनमें से कोई एक ही होगा, या तो तीन या तो चार या तो छह। पांच के विपरीत क्या आएगा, तो पांच के विपरीत भी आएगा या तो तीन या तो चार या तो छह। तो इसका कोई हम डिफरेंट आंसर नहीं दे सकते। और जस्ट इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ कि तीन के विपरीत कौन सी अगर तीन की जो विपरीत सतह है, तो उस पे कौन सा नंबर लिखा होगा, तो इसका भी आप कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। सॉरी, इसका भी कोई डेफिनेट आंसर आप नहीं दे सकते। और तीन के विपरीत सतह पर इन तीनों में से कोई एक ही आएगा,
यानी या तो दो आएगा या फिर एक आएगा या फिर पांच। चार के विपरीत सतह पर या तो दो या तो एक या तो पांच। छह के विपरीत सतह पर दो या एक या पांच। अभी हमने सीखा कि किसे हम मानक पासा बोलेंगे और किसे साधारण पासा बोलेंगे, और यदि पासे की एक फिगर दी गई हो तो हम कैसे पता करेंगे उसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अभी आपके सामने हम कुछ पासे बनाएंगे और आपको ये बताना होगा कि कौन साधारण पासा है और कौन मानक पासा है। तो आपके सामने छह फिगर्स हैं, अलग अलग पासे की अलग अलग फिगर्स आपके सामने दी गई हैं, और आपको ये बताना है कि कौन सा जो फिगर है यानी कौन सा पासा मानक है और कौन सा साधारण पासा है। ठीक है, तो हमने इससे पहले आपको ये बताया था कि अगर कोई भी साधारण पासा होगा तो अगर उसकी किसी भी दो अगर निकटवर्ती सतहों को अगर आप योग निकालें तो सात आएगा, और इससे अलावा जो भी पासे मिलेंगे, जैसे अगर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि सात न आए तो वो सीधा सा कौन सा पासा होगा, तो मानक पासा होगा। जैसे ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन और चार लिखा हुआ है, दो निकटवर्ती सतह हैं, तीन और चार लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तीन चार को जोड़ें कितना आएगा, सात यानी सेवन। तो ये कौन सा हो गया, एक साधारण पासा। जिसे हम शॉर्ट में जीडी से समझेंगे, जनरल डॉइस। यहां अगर हम चेक करें पांच और एक छह, एक और तीन चार, तीन और पांच आठ, किसी में भी सात नहीं आया, यानी ये कौन सा पासा है, तो स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या है, मानक पासा है, क्योंकि मानक पासे में क्या होता है कि किसी भी दो सतहों का योग, कौन सी सतह, निकटवर्ती सतह, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं आता है तो वो कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा यानी मानक पासा होगा। अब यहां चेक कर लेते हैं, यहां देखिए एक और छह ये दो निकटवर्ती सतह हैं और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, सात, यानी ये कौन सा पासा हुआ, तो ये हुआ जनरल डाइस। इस तरह से चेक करते हैं जो फोर्थ वाला फिगर है, यहां पर अगर हम चेक करें तो चार और एक पांच, पांच और एक छह, और पांच और चार नौ। तो यहां पर किसी भी निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं आता है, यानी कौन सा पासा हुआ, ये स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। अच्छा, ये बात है कि मानक पासा में एक और हमने फीचर आपको बताया था कि जो भी विपरीत सतह है उसको अगर जोड़ें आप, किसी भी दो विपरीत सतह को जोड़ें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी उसका मान कितना आएगा, तो आएगा सात। अगर दो विपरीत सतहों का अगर आप जोड़ेंगे तो सात आएगा, लेकिन अगर आप निकटवर्ती सतहों को जोड़ें तो क्या सात आएगा, नहीं। तो जो मानक पासा होता है उसमें अगर निकटवर्ती सतहों को जोड़ते हैं तो सात नहीं आता है, जबकि विपरीत सतहों को जोड़ने पर सात आता है। इसी तरह इसको चेक कर लेते हैं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है, और यहां आपको दिख रहा है ये जनरल डाइस। तो अब आप सीख चुके हैं कि कैसे हम किसी पासे की पहचान करेंगे जब एक फिगर दी गई हो, कि वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। अभी तक हमने यही सीखा है, और अब हम जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जब किस तरह के प्रश्न होते हैं ये जान लेते हैं। तो हमारे जो एग्जाम में जो क्लोज डाइस होती है, क्लोज डाइस में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उसमें तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला टाइप वन जो होगा वो होगा जब पासे की केवल
एक स्थिति दी गई हो, यानी आपके सामने सिर्फ एक पासा दिखाया जाएगा, यानी एक पासे की सिर्फ एक ही फिगर आपको दिखाई जाएगी, एक पोजीशन दिखाई जाएगी, और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि किस किसी भी एक विशेष सतह के जो विपरीत सतह होगी उसमें कौन सा अंक आएगा, टाइप दो। दूसरा जो टाइप होता है उसमें जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो यानी अब आपके सामने ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें एक ही पासे की दो अलग अलग पोजीशंस दी जाएंगी और उस पोजीशन के बेस पे आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या या फिर कौन सा अंक आएगा। अब लास्ट और तीसरा जो टाइप होता है इसमें आपको बता दें, जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हैं, यानी जब किसी प्रश्न में दिया गया हो दो से अधिक पासा, या तो तीन या तो चार या तो पांच, यानी दो से अधिक होगा और उसमें उस तीनों पोजीशंस के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, तीनों पोजीशन के आधार पे कि बताइए किसी सतह के विपरीत वाली सतह पे कौन सा अंक होगा या फिर कौन सी संख्या होगी। यानी आपको बता दें कि हम क्लोज डाइस में तीन तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीन तरह के प्रश्न में क्या हो, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, यानी सिर्फ आपके सामने एक ही पासा दिया जाएगा, एक पासा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ एक सतह दी गई है दो, इस दो के विपरीत वाली सतह पे कौन सा अंक या फिर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यानी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपको दो पासे की यानी एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई जाएंगी और आपको ये बताना होगा कि किसी भी एक सतह के विपरीत कौन सी संख्या होगी या फिर कौन सी सतह पे कौन सी संख्या होगी। इसके बाद तीसरे टाइप का भी प्रश्न इसमें आता है। तीसरे टाइप का प्रश्न में क्या पूछा जाएगा आपसे, आपको दो से अधिक पासे की स्थितियाँ दी जाएंगी, यानी पासा एक ही रहेगा, उसकी दो से अधिक स्थितियाँ दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो अभी हम सीखेंगे टाइप वन। टाइप वन यानी जब पासे की सिर्फ एक ही फिगर दी गई हो और उस पर आधारित प्रश्न। ये पासा आपको दिया गया और इस पासे के अनुसार आपको बताना है कि अपोजिट 2, 6 यानी 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान देंगे, अगर सिर्फ एक ही फिगर दी गई हो पासे की और आपसे पूछा जाए कि विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी, तो सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो ये होगा कि हम चेक करेंगे कि ये जो फिगर दी गई है पासे की ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। क्योंकि अगर मानक पासा होगा तो बिल्कुल आसान होता है और हम आसानी से उत्तर उसका दे सकते हैं
क्योंकि अगर दो विपरीत सतहों का योग देखा जाए मानक पाशा में तो कितना होता है, 7 होता है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये मानक पाशा है कि साधारण पाशा है। अगर हम किसी भी दो निकटवर्ती सतहों को लें, जैसे कि 2 और 4 को, तो यहाँ से 6 मिलेगा, 6 और 4 से 10 मिलेगा और 6 और 2 से 8 मिलेगा, ठीक है। तो इन दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आता है, इसलिए ये क्या, कौन सा पाशा है, ये मानक पाशा है। यानी अब इसमें विपरीत सतहों का योग क्या होगा, तो 7 होगा, इसलिए 6 के विपरीत होगा 1, क्योंकि 6 और 1 मिला करके 7। अगर और पूछा जाए आपसे कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 और 3 से क्या होता है, 7। अब पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 और 2 मिला करके 7। यानी जो मानक पाशा हुआ उसमें जो भी विपरीत सतह होंगी उनका योग 7 ही आएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये पाशे की फिगर आपको दी गई और इसमें पूछा गया अपोजिट टू 3, यानी 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो पाशा है ये साधारण पाशा है या फिर मानक पाशा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये 1 और 3 से क्या हुआ, 4, 3 और 4 से 7 हुआ, यानी ये पाशा हुआ साधारण पाशा। और साधारण पाशा में अगर हमें विपरीत सतह पे कौन सी संख्या ये बतानी हो, तो हम कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और छिपे हुए सतह पर जो भी नंबर्स रहेंगे उनमें से कोई एक ही नंबर आएगा। जैसे कि आपके सामने 3 सतह दिख रहे हैं, 1, 3 और 4, तो इनके विपरीत कौन से नंबर आएंगे जो छिपे हुए हैं। यानी जो भी आपके सामने सतह दिख रही हैं उनके विपरीत सतह पर वही संख्याएं या फिर वही नंबर्स आएंगे जो कि छिपे हुए हों। यानी 1 के विपरीत क्या आएगा, तो जो हिडन नंबर्स है, हिडन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 5 और 6। यानी 1 के विपरीत या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6। इसी तरह से 3 के विपरीत क्या आएगा, तो इसका भी कोई डेफिनेट आंसर नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, 2, 5 या 6 में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। हाँ, आपके सामने यदि विकल्प दिए जाए, जैसे अगर आपके सामने दिया जाए 2 और बी वाले में 3 या 4, सी में आपसे पूछा जाए 5 या 6 और डी में 1, अगर ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो एक चीज ध्यान देना होता है, एक सबसे बड़ी चीज आप ध्यान देंगे कि सामने जो भी आपको दिख रहे हैं एक साथ 3 नंबर्स दिखेंगे, या तो वो छिपे हुए हों या तो वो आपके सामने दिख रहे हों, ठीक है। तो जितने भी सामने दिख रहे होते हैं नंबर्स, वो कभी भी किसी भी हालत में एक दूसरे के विपरीत सतह पर नहीं आएंगे। जैसे 1 के विपरीत 3 कभी नहीं आएगा, 1 के विपरीत 4 कभी नहीं आएगा, 3 के विपरीत 4 कभी नहीं आएगा, ठीक है। यानी इनके विपरीत वही संख्याएं होंगी जो छिपी हुई हों। यानी हमें पता है कि सिर्फ एक ही सतह दिखेगी, उसके विपरीत वाली सतह नहीं दिखेगी, जब एक पेपर पे हम पासे का फिगर बनाए हों। तो हमें यहाँ से ये पता करना होगा कि जो भी ये पासा बनाया गया, इसमें जो नंबर आपको दिख रहा है किसी भी एक सतह पर, उसके विपरीत निकटवर्ती सतहों पर जो भी संख्याएं हैं वो कभी भी नहीं आ सकती। यानी जो नंबर्स छिपे हुए, जो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं आपको, वही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ क्या हम 2 को सही करें, 2 को सही कर सकते हैं क्या? अगर 2 को हम सही करेंगे, इसका मतलब है कि हम डेफिनेट आंसर दे रहे हैं। अभी हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते क्योंकि एक साधारण पाशा है, यानी इसे हम सही नहीं कर सकते। 3 या 4 दिखेगा क्या, 3 के विपरीत तो 3 कभी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। अब क्या 1 आएगा, नहीं 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 का निकटवर्ती सतह पर 1 है,
तो हम इस वाले ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि 5 और 6 में से कोई एक आ सकता है। हाँ, तो इस तरह से हम आंसर देते हैं। और एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं आज की क्लास में। यहाँ आपको क्या बताना है, ये जो प्रश्न आपको दिखा, इसमें आपको 1, 4 और 3, ये तीन पासे की सतहों पर ये तीन नंबर्स दिखाए गए हैं। और आपको ये बताना है कि 5 के विपरीत वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो कैसे हम बता सकते हैं, पहले तो हम पहला काम हमारा यही है, जब एक पासे की, जब एक फिगर दी गई हो, तो हम ये चेक करेंगे कि ये पासा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो आइए चेक करते हैं। 1 और 4 5, 1 और 3 4, और 3 और 4 मिला करके 7, यानी निकटवर्ती सतहों का योग हमें 7 मिला। इसलिए कौन सा पासा हुआ ये, तो ये हुआ जनरल डाइस, ये हुआ साधारण पासा। और साधारण पासा में हम कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं, संभावित आंसर देंगे, सिर्फ पॉसिबिलिटी हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 ये क्या है, हिडन नंबर है। हिडन नंबर के विपरीत कौन से नंबर्स आएंगे, जो विजिबल हो, यानी जो दिख रहे हो, या तो 4 आएगा, या तो 1, या तो 3। तो आज के क्लास में हम इतने टॉपिक को कवर करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि सिर्फ आपकी एक छोटे से प्रयास से किसी को हेल्प आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में और नए शुरुआत के साथ। धन्यवाद।